हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास टेंथ की मैथ्स का जो चैप्टर थर्ड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और हमको क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए। y और x की वैल्यू कहां से फाइंड होगी, इन दो लीनियर इक्वेशनों से आपकी x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसमें हम यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आपका प्रतिस्थापन विधि से। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा तो आप यहां से रीड कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वहां से हमारा x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और देन जब x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम m का मान निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन को लेते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, थर्ड इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी लेने वाले हैं, हम इक्वेशन लेने वाले हैं सेकंड को, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसके लिए, समीकरण सेकेंड से, ठीक है। समीकरण सेकेंड क्या है हमारे पास, ये रही जी, 2x को इधर ही रहने दो, ठीक है, और इस 4y को इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो माइनस 24 इक्वल टू के इधर है, ये इधर चला जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर ही रहने दो, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो 24 प्लस 4y अपॉन हो जाएगा आपका 2, इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इस स्टेटमेंट के लिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट कौन सी हमारी, ये वाली है, तो x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यानी कि जहां पर x है वहां पर ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा हमारा, x की जगह क्या आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2, ठीक है। फिर क्या है, प्लस 3y, तो यहां लिख देंगे प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 11, तो यहां 11 आ जाएगा, ये अपॉन में है, यहां मल्टीप्लाई में है 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। बेस सेम है इनके, यानी कि ऐड हो सकते हैं ये, तो ये हो जाएगा आपका 7y इज इक्वल टू, ये माइनस 24 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 24, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 35। अब यहां से हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, देखिए y को इधर ही रहने देंगे, 7 यहां मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5। y की वैल्यू जब आ चुकी है तो इस y की वैल्यू को हम अगर पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां स्टेटमेंट लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट के लिए,
y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, ये है इक्वेशन थर्ड, इसमें हम y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4, y की वैल्यू क्या है 5, तो यहां 5 आ जाएगा आपका अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आपका 4 बच जाएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आता है, अपॉन में कितना है 2, इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि 2 टाइम कैंसिल कर देगा ये 2। अब x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, हमको क्या फाइंड करना है, यहां से m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन दे रखे हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5 है, तो यहां 5 पुट कर देंगे, तो 5 इज इक्वल टू, उसके बाद m की हमको फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या आई है माइनस 2, तो यहां लिख देंगे माइनस 2 प्लस 3, इस 3 को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई m के साथ होगी, तो माइनस 2 m हो जाएगा, इधर आपका 2 बच जाएगा, ये माइनस 2 m हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2 अपॉन माइनस 2, 2 से ये 2 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना था, वहां से आपकी y और x की वैल्यू फाइंड हो गई है, उसके बाद जो इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास, इसमें x और y की वैल्यू पुट करने से आपके m की वैल्यू फाइंड हो गई है, बस आपको इसमें m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो हम फाइंड कर चुके हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए यह स्टेटमेंट आपको मैंने हिंदी में बता दिया है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए यह क्वेश्चन हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर कहीं पे डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख ले, वैसे तो कहीं डाउट रहेगा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।